नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल। आप सबका स्वागत है स्टॉक बॉक्स के बिजनेस एंड एनालिसिस वीडियो में। यहाँ हम रोज डिस्कस करते हैं न्यूज़पेपर्स के, बिजनेस न्यूज़पेपर्स के स्पेशली कुछ बढ़िया आर्टिकल्स, कुछ इम्पैक्टफुल आर्टिकल्स जिनका आपकी लाइफ पर कोई इम्पैक्ट पड़ सकता है, चाहे डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट। ये फाइनेंशियल होंगे, इकोनॉमिक होंगे। तो अगर आपको इस तरीके के कॉज एंड इफेक्ट एनालिसिस पसंद है तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। शुरुआत करते हैं आज के सबसे पहले आर्टिकल से। ऑयल रैली गैदर्स मोमेंटम एज ब्रेंट पॉप्स अबव $96 अ बैरल। यहां पर बात किसकी हो रही है? ऑयल की, ठीक है। यहां पर बात हुई ऑयल की। आप देख सकते हैं रैली मतलब प्राइस का बढ़ना, किसी भी स्टॉक या कमोडिटी की बात हो। ये कमोडिटी है ऑफकोर्स, ये स्टॉक नहीं है। तो रैली का मतलब होता है बढ़ना, और रैली गैदर्स मोमेंटम मतलब रैली का जो मोमेंटम है, स्पीड है, वो और ज्यादा बढ़ गया। एज ब्रेंट पॉप्स अबव 96। ब्रेंट क्या है? यहाँ पर एक बेंचमार्क है, ठीक है। जैसे ब्रेंट है, ये ऑयल का एक बेंचमार्क है। ब्रेंट अभी कितने पे ट्रेड कर रहा है? $96 पर बैरल ब्रेंट इसका नाम है। इसके अलावा ब्रेंट के अलावा क्या नाम होता है? एक और होता है, वो होता है WTI भी होता है, ठीक है। और उसी के साथ ब्रेंट भी होता है। जो WTI होता है, इसे हम कहते हैं वेस्ट टेक्सस इंटरमीडिएट, इसका फुल फॉर्म है। जो अमेरिका का जो ऑयल बेसिकली आप कहीं भी दुनिया में खरीदेंगे तो वो WTI ऑयल होता है। और अगर आप नॉर्थ सी से आने वाले जितने भी ऑयल को अगर आप देखेंगे तो वो ब्रेंट बोलते हैं उसे। तो ये $96 पर बैरल के ऊपर चला गया है, ठीक है। और क्या रीजन है, ऑयल प्राइस क्यों बढ़ रहा है, ये जानते हैं। ऑयल पिछले 10 महीने के हाई पे ट्रेड कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर एक पावरफुल रैली देखी गई यहाँ पे। इसकी वजह से इन्फ्लेशन जो है ये रीकेंडल हो सकता है, ठीक है। रीकेंडल यहाँ पे वर्ड यूज किया गया है क्योंकि पहले तो इन्फ्लेशन था जिसे नीचे लाया गया, और अब ये दोबारा नीचे जाके ऐसे फिर से ऊपर अगर आता है तो इसे हम कहेंगे रीकेंडल, ठीक है। तो वापस से अपने प्रीवियस लेवल पे ला सकते हैं इन्फ्लेशन के, क्योंकि ओपेक प्लस, ओपेक क्या है? ऑयल एंड पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग, ठीक है, कंट्रीज। ये एक कार्टल है, ठीक है। ये इस कार्टल में जो भी ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री है, ठीक है, वो शामिल है। और ओपेक प्लस में क्या है? ओपेक प्लस में रशिया भी है और एक दो और कंट्रीज है। तो इन्होंने क्या कहा कि हम सप्लाई को कम करते रहेंगे। जब सप्लाई आप कम करेंगे तो क्या होगा? सप्लाई के कम करने से मार्केट में उस कमोडिटी की प्राइस ऊपर जाती है, ठीक है। अगर सप्लाई नीचे जा रहा है, क्योंकि रिलेशनशिप ऐसा है, ये कोई चीज अगर बहुत ज्यादा है तो उसकी प्राइस भी कम होगी। तो यहाँ पे क्या होगा, ये प्राइस को ऊपर लाना चाहते हैं, तो इसकी वजह से उन्होंने कहा है कि सप्लाई को कम करेंगे, ठीक है। और ग्लोबल बेंचमार्क ब्रेंट है जो इसीलिए $96 पर बैरल क्रॉस कर चुका है फर्स्ट टाइम सिंस नवंबर बिफोर पेयरिंग गेन्स। जो टाइटर मार्केट है, इसकी वजह से फ्लरी ऑफ प्रेडिक्शंस आ गए हैं। देखिए $100 ऑयल बहुत ही एक कह सकते हैं नॉर्मल चीज हो सकती है कुछ दिनों में। अगर आप देखें कि शेवरॉन के जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं माइक वर्थ, ठीक है, इनका ये कहना है टू ट्रेडिशनल बेयर्स एट सिटी ग्रुप। अब जो लेटेस्ट अपस्विंग आई है अभी ऑयल में, इसमें बड़े बड़े मूव्स आए हैं, ठीक है, टाइम स्पेंस में। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे अलग अलग एनालिस्ट जो भी अभी कह रहे हो, $100 पर बैरल बहुत ज्यादा दूर नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ सिर्फ $4 से $5 का ही मूवमेंट चाहिए। और $100 एक साइकोलॉजिकल लेवल है, आप देख सकते होंगे। साइकोलॉजिकल लेवल इन द सेंस कि यहाँ पर अगर कोई स्टॉक या कोई भी सिक्योरिटी ऐसे लेवल्स को क्रॉस करता है तो बड़े ब्रेकआउट्स या ब्रेकडाउन देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी ऐसा हो सकता है। अब मैं ये बात कर रहा हूँ टेक्निकल लेवल पे, लेकिन यहाँ पे तो फंडामेंटल रीजंस है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे रियाद मतलब सऊदी अरेबिया और मॉस्को, इन दोनों ने हाथ मिला लिया है। इन्होंने कहा है कि हम कर्टेल करेंगे, एक्सपोर्ट्स को कम करेंगे, जो दुनिया में आपके पास जितनी भी इन्वेंट्री होगी हम तब तक कट करते रहेंगे जब तक कि आपकी इन्वेंट्री खत्म ना हो जाए, ठीक है। और आउटलुक अगर आप देखें US और चाइना में, ठीक है, चाइना में जितना बुरा हो सकता था हो चुका है इकोनॉमी के साथ, हमें ऐसा लगता है। यहाँ से जो हो सकता है इंप्रूवमेंट के स्कोप ज्यादा है, नीचे जाने के स्कोप कम है। और US तो आप देखिए फेडरल रिजर्व कितना ही कोशिश कर ले, वहां कंजम्पशन कम नहीं हो रहा, इकोनॉमी भी ग्रो कर रही है। तो इसकी वजह से ऑयल जो है, यहाँ पर एक कोई गुड न्यूज आए तो 100 के 12 हमें तुरंत मिलेगा। तो गिवन द कंस्ट्रक्टिव फंडामेंटल्स, मोर पॉजिटिव सेंटिमेंट, हम देख सकते हैं कि आइस ब्रेंट $100 पर बैरल
चला जाए, ये बहुत ज्यादा दूर की, ज्यादा फ्यूचर की बात नहीं होगी। इसकी वजह से क्या होगा, इसका इम्पैक्ट क्या होगा, अगर ऑयल प्राइस, एनर्जी कॉस्ट इतना बढ़ जाता है। देखिए बेसिक नेसेसिटीज आपकी क्या है रहने के लिए, आपको एनर्जी चाहिए, क्योंकि फूड और एनर्जी, फूड को आप ऐसे तो नहीं खा सकते, उसे बनाने के लिए आपको लगेगा गैस तो चाहिए होगा, राइट, हीट चाहिए होगा, और फूड आपके पास विदाउट ट्रांसपोर्ट नहीं आ सकता, है कि नहीं, उसे खेतों से, गांव से शहर में आपके पास पहुंचाने के लिए हमें चाहिए एनर्जी, जो कि पेट्रोल और डीजल के फॉर्म में है। तो बेसिक नेसेसिटीज जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट, एनर्जी और फूड है, और यहाँ पे इन एनर्जी के अगर दाम बढ़ जाएंगे पेट्रोल डीजल के, तो आपकी बेसिक नेसेसिटीज वाली चीजें ही महंगी हो जाएंगी, इनके प्राइसेस ऊपर चले जाएंगे यहाँ पे। तो इन्फ्लेशनरी प्रेशर हमें देखने को मिलेगा अच्छा खासा, अगर ऑयल इतना महंगा हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें देखना होगा, ये एक बहुत ही बड़ा वीक होगा मॉनेटरी पॉलिसी डिसीजंस के लिए, यहाँ पे मल्टीपल मीटिंग्स होंगी फेडरल रिजर्व की भी। तो जो जंप है ऑयल में, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के लिए प्रेसिडेंशियल इलेक्शन से पहले, और साथ ही साथ मैं बता दूं इंडियन इलेक्शंस में भी ये एक बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं, क्योंकि वो भी आने हैं। तो आते हैं अगले आर्टिकल पर, यहां पर हम कुछ छोटे आर्टिकल्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहला है यूएस नेशनल डेट टॉप्स $33 ट्रिलियन फॉर द फर्स्ट टाइम। नेशनल डेट ने यूएस के नया रिकॉर्ड बनाया है। नेशनल डेट है क्या, ये बेसिकली वो लोन्स हैं जो यूएस की गवर्नमेंट ने लिए हैं और कहा है कि हम दोबारा पे कर देंगे, ठीक है। यूएस गवर्नमेंट ने लिए हैं ये लोन्स, ठीक है, और अमेरिका का जो ग्रॉस नेशनल डेट है अब $33 ट्रिलियन हो चुका है। पहली बार ये रिकॉर्ड बनाया, मतलब किस तरीके से गवर्नमेंट डेट ले रही है आप ये देखिए वहां की। और इससे एक स्टार्क रिमाइंडर मिलता है कंट्री की शेकी फिस्कल ट्रैजेक्टरी को एट द मोमेंट, जहां पर वॉशिंगटन फेस कर रहा है प्रॉस्पेक्ट ऑफ गवर्नमेंट शटडाउन, ठीक है, इस महीने, क्योंकि फेडरल स्पेंडिंग के ऊपर चल रही है लड़ाई। यहाँ पे बात क्या चल रही है, देखिए यहाँ पे बात हो रही है, कुछ टर्म्स शायद आपको कंफ्यूजिंग लग रहे हो, फिस्कल ट्रैजेक्टरी जैसे कि, तो कुछ नहीं है ये, एक कंट्री को भी अगर आप एक घर की तरह देखें तो खर्चा कितना हो रहा है और कमाई कितनी है। अब अगर कमाई कम है, खर्चा ज्यादा है, तो लोन लेके क्रेडिट कार्ड पे काम करना होगा, तो यूएस वही कर रहा है, तो बहुत ही ज्यादा एक्सेसिव कर रहा है, लेकिन ये सोच ही नहीं रहा कि आगे ठीक है किस तरीके से हम इतने पैसे लौटाएंगे। तो यूएस में ये इशू आ रहा है कि फेडरल स्पेंडिंग जो है ये इस तरीके से हो रही है। फेडरल स्पेंडिंग मतलब जो गवर्नमेंट स्पेंड कर रही है, फेडरल गवर्नमेंट वहां की, सेंट्रल गवर्नमेंट, कई लोगों को लग रहा है कि रेकलेस है, इतनी नहीं करनी चाहिए, इतना ज्यादा डेट नहीं लेना चाहिए। तो ट्रेजरी डिपार्टमेंट ने नोट किया, माइलस्टोन अपने डेली रिपोर्ट में कहा कि जो नेशन की जो बैलेंस शीट है, ठीक है, यहाँ पर इसे डिस्कस किया गया, और यहाँ पर क्योंकि इलेक्शन भी है तो इस तरीके के मुद्दे और ज्यादा उठा जाएंगे। अब डेट सीलिंग के बारे में भी कई लोगों को शायद नहीं पता हो कि यूएस डेट सीलिंग भी किस तरीके से हर बार इंक्रीज करता जा रहा है और डेट बहुत ही ज्यादा ले रहा है, तो हमें देखना होगा। आई होप, वी होप कि कुछ ऐसे इश्यूज ना आए यूएस के डेट को लेकर, क्योंकि पूरी दुनिया पे इसका बहुत ही बुरा असर पड़ सकता है, ठीक है। आते हैं अगले आर्टिकल पर, यह है चाइना आउस्टेड फॉरेन मिनिस्टर ओवर अफेयर इन यूएस। चाइना ने रिमूव किया है किंग यांग को अपने जॉब से, जो कि फॉरेन मिनिस्टर थे, जबकि इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि उनका अफेयर था, ठीक है, और उनका एक चाइल्ड भी था while serving as ambassador to the US. Wall Street Journal ने ये रिपोर्ट निकाली है, और जो टॉप ऑफिशियल से चाइना में, उनको कहा गया कि कम्युनिस्ट पार्टी इंक्वायरी में कि इसमें इनकी कुछ लाइफस्टाइल इश्यूज है, ठीक है, और ये था इनके कैरेक्टर और इस रिलेशनशिप के बारे में, तो इस रीजन से इन्हें इनकी पोजीशन से हटा दिया गया। अब एक इंटरेस्टिंग न्यूज है यूएस से, यूएस मरीन्स ने ग्राउंड कर लिए सारे एयरक्राफ्ट जब एक F-35 डिसअपियर हो गया। जो एक्टिंग कमांडेंट है यूएस मरीन्स के, जनरल एरिक स्मिथ, इन्होंने ऑर्डर इशू किया है कि जितने भी मरीन कॉर्प्स एयरक्राफ्ट हैं दोनों विदिन और आउटसाइड यूएसए, एज पर रिपोर्ट इन NBC न्यूज, इसको क्या करना है, ग्राउंड करना है, ठीक है, ग्राउंड करना है। क्यों करना है भाई, क्या हो गया अचानक से? तो रीजन यह है कि मिस्टीरियसली एक जेट फाइटर, जो स्टेल्थ F-35 जेट है साउथ कैरोलिना में, वो डिसअपियर हो गया। आप सोचिए इंडिया का अगर एक जेट फाइटर ही मिसिंग हो जाए, मिल ही नहीं रहा है, हम काउंट कर रहे हैं पता नहीं कहाँ है, है नहीं, बस
तो जो मरीन एयरक्राफ्ट है करंटली डिप्लॉयड है अब्रॉड, ठीक है, या फिर जो भी अब्रॉड है या किसी इमिनेंट मिशन पे है, उनके पास ऑप्शन है कि हाँ ठीक है ये डिले कर सकते हैं ऑर्डर को, लेकिन उन्हें फिर भी स्टैंड डाउन करना है 2 डे पीरियड के लिए और देखना है कि क्या ये नंबर जो मिसिंग है ये कहाँ है। अगला आर्टिकल है पाकिस्तान बेगिंग वाइल इंडिया रीच मून नवाज। तो पाकिस्तान के जो सेल्फ एग्जाइल फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है नवाज शरीफ, काफी कह सकते हैं इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल फिगर रहे हैं पाकिस्तान में, इन्होंने कहा है कि जो पाकिस्तान है ये अभी भीख मांग रहा है पैसों के लिए पूरी दुनिया से, जबकि इंडिया मून पे पहुंच चुका है, G20 समिट होस्ट कर चुका है, और इन्होंने ब्लेम किया कंट्री के फॉर्मर जनरल्स को और जजेस को अपने इकोनॉमिक वूज के लिए, जो कि पूरी तरीके से गलत भी नहीं होगा। ऑफ कोर्स वहां पे पॉलिटिशियंस जो है वो भी करप्शन के शिकार में बहुत ज्यादा आते हैं, लेकिन ये उनके कुछ स्ट्रक्चरल इश्यूज हैं जजेस और जनरल्स को लेकर। पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है वो फ्री फॉल मूड में है, ठीक है, इनकी करेंसी ठीक है और साथ में इकोनॉमी दोनों फ्री फॉल नीचे जा रहे हैं, डेप्रिशिएट हो रही है करेंसी, इकोनॉमी भी नीचे जा रही है। यहाँ पर अगर आप देखें तो जो इन्फ्लेशन है डबल डिजिट ऊपर जा रहा है, ठीक है, अच्छा खासा इन्फ्लेशन है, बहुत बुरी हालत है अगर आप देखें तो। आज इनका कहना है कि आज जो प्राइम मिनिस्टर है पाकिस्तान के वो कंट्री टू कंट्री जाते हैं फंड्स के लिए बैक करते हैं, जबकि हमारे जो उनके जो नेबर है वो इतना आगे निकल चुके हैं, G20 मीटिंग्स कर रहे हैं, मून लैंडिंग कर रहे हैं, तो पाकिस्तान ये सब क्यों नहीं कर पा रहा जो इंडिया कर पा रहा है, एंड इसके लिए कौन जिम्मेदार है, उनका सवाल ये है, और क्या इसके लिए कोई एक इंसान जिम्मेदार होगा। ऐसे सवालों के जवाब देना बहुत मुश्किल है और यहाँ पर ज्यादातर जो पार्टीज हैं वो एक दूसरे को ब्लेम करेंगी। कोल फ्रॉम रशियन एनेक्स यूक्रेन सोल्ड टू टर्की, एटलीस्ट 14.3 मिलियन डॉलर्स वर्थ का जो कोल है जो प्रोड्यूस किया गया यूक्रेन के एरिया में, जो पहले यूक्रेन में हुआ करता था और अब एनेक्स कर चुका है उसे रशिया, इसे एक्सपोर्ट किया गया एक नेटो मेंबर को। आप ये सोचिए कि अगर हम इस तरीके से अगर इसे देखें कि ये एलाइज हैं बेसिकली नेटो और यूक्रेन, और हमने यूक्रेन पे कब्जा कर लिया, वहां से जो हम कोल माइन कर रहे हैं वो उसके एलाइज को ही बेच रहे हैं, कितना शॉकिंग लगेगी। तो जो अकॉर्डिंग टू रशियन कस्टम्स डेटा जो है जिसे रियूटर्स ने रिव्यू किया बिटवीन फेब्रवरी एंड जुलाई 2023, तो करीब 1,60,400 टन जो कोल है जो कि निकाला गया था एनेक्स ईस्टर्न यूक्रेनियन रीजन से, उसे टर्की भेजा गया इस डेटा के अकॉर्डिंग। तो जो 3 प्रोड्यूसर्स हैं आप देखते हैं आगे क्या होता है इनका, क्योंकि यहाँ पर जो है टर्की ने जो रेस्ट्रिक्शंस नहीं लगाए हैं ट्रेड के रशिया के साथ, अगर आप देखें बाकी जगहों की तरह, सो वी हैव टू सी, बट दिस इज क्वाइट फनी अगर आप इस तरीके से देखें कि ऐसी चीजें भी हो रही हैं। सुनाक कंट्री गार्डन डेट डील्स ब्रिंग रेस्पाइट टू चाइना, जो चाइनीज डेवलपर्स हैं सुनाक एंड कंट्री गार्डन कुछ रिलीफ की न्यूज लेकर आई है टू द क्राइसिस हिट प्रॉपर्टी मार्केट सेक्टर बाय फॉर्जिंग डेट डील्स विद क्रेडिटर्स, अपने क्रेडिटर्स हैं उनके साथ उन्होंने कुछ डील साइन की डेट की। अगर आप देखें चाइना में बहुत बुरी सिचुएशन चल रही है प्रॉपर्टी मार्केट में, काफी कंपनीज जो है वहां पर डिफॉल्ट कर रही है और जो टॉप प्रॉपर्टी डेवलपर्स हैं उनकी तो हालत खराब हो चुकी है, तो इनके शेयर्स हैं वो बढ़े हैं 14% अभी अर्ली ऑन ट्यूजडे जब क्रेडिटर्स ने अप्रूव किया $9 बिलियन ऑफशोर डेट रिस्ट्रक्चरिंग प्लान। तो बेसिकली यहाँ पे जो भी आपका उधार है वो आप डिस्कस करते हो अपने क्रेडिटर से कि हाँ भाई अभी मैं नहीं दे सकता, तो थोड़े टर्म्स एंड कंडीशन चेंज कर दो, थोड़ा सा पीरियड बढ़ा दो, 20 साल के रेट को 30 साल का कर दो, जो अभी इमीडिएट पेमेंट्स है 6 महीने की उन्हें आप कह सकते हैं पॉज कर दो, मैं 6 महीने के बाद से आपको पे करना शुरू कर दूंगा। तो ये होता है डेट रिस्ट्रक्चरिंग प्लान, ठीक है, तो इसकी वजह से थोड़ा कह सकते हैं रिलीफ मिला है चाइना को। तो आज के लिए बस इतना ही, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो जरूर इसे लाइक कर लें अभी और सब्सक्राइब करना ना भूलें इस चैनल को। धन्यवाद।